चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ एक छोटे से बच्चे की, जिसकी छोटी सी मुट्ठी में है एक का सिक्का और वो 1 रुपया लेकर ईश्वर को खरीदने बाजार पहुंच जाता है। कहानी बहुत ही रोचक है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलकर ये कहानी सुनते हैं। तो एक बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 8 साल है। उसके पास 1 का सिक्का होता है। वो बाजार जाता है और वहाँ से ईश्वर खरीदना चाहता है। बाजार पहुँचता है, एक दुकान पर पहुँचता है। दुकानदार उससे पूछता है, ए बच्चे, तुझे 1 रुपये में क्या चाहिए? वो बोलता है, क्या आपके पास ईश्वर मिलेगी? मुझे ईश्वर चाहिए। दुकानदार गुस्से में उसका सिक्का फेंक देता है और उसे भगा देता है। बच्चा निराश होकर दूसरी दुकान पर पहुंचता है। वहां जाके पूछता है, मेरे पास 1 रुपये है, क्या ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार गुस्सा होता है और उसे भगा देता है। इस तरह वह दूसरी दूसरी से तीसरी तीसरी से चौथी 40 से ज़्यादा दुकानें वो घूम लेता है और उसे ईश्वर नहीं मिलते। आखिरकार वो एक दुकान पर पहुंचता है जहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे रहते हैं। बच्चा जाता है उनके पास। दुकानदार उससे पूछता है, तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए? क्या करोगे ईश्वर का? आखिर तुम्हें ईश्वर की क्यों जरूरत पड़ गई? बच्चा बहुत ही उत्साहित होता है, क्योंकि अभी तक इतनी दुकान घूमने के बाद भी किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि उसे ईश्वर क्यों चाहिए। बच्चा उत्साह के साथ बताता है कि मेरी माँ है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करती है, फिर मेरे लिए खाना लाती है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने बोला है, अब तुम्हारी माँ को केवल ईश्वर ही बचा सकता है। इसलिए मैं ईश्वर को खरीदने बाजार निकल गया। मेरे पास केवल 1 रुपया है, इसलिए कोई मुझे ईश्वर नहीं दे रहा है। क्या आपके पास ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार बोलता है, हाँ क्यों नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदार उससे 1 रुपया लेता है। 1 रुपया ले तो लेता है, पर दुकानदार सोचता है कि मैं 1 रुपये में इस बच्चे को ऐसा क्या दे दूँ? मेरे पास दुकान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसे संतुष्ट कर सके। दुकानदार के पास फिल्टर लगा होता है, तो वो फिल्टर से 1 ग्लास पानी दे देता है उसे और बोलता है कि जाओ ये पानी अपनी माँ को दे देना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और वो पानी अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ जिस हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वहाँ दूसरे दिन एक डॉक्टरों की टीम आती है। महिला का इलाज होता है और महिला बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। जब महिला एकदम स्वस्थ हो जाती है तो उसे डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करते वक्त उसे हॉस्पिटल का बिल थमाया जाता है। बिल इतना लंबा चौड़ा होता है कि महिला को देखते ही होश उड़ जाते हैं। वो निराश हो जाती है। तभी उसे डॉक्टर बताते हैं कि आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो बिल है एक वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने पहले ही भर दिया है और साथ ही ये चिट्ठी भी छोड़ी है। महिला उत्साह के साथ वो चिट्ठी लेती है और उस चिट्ठी को पढ़ती है। तो उस चिट्ठी में लिखा होता है, मुझे धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है। धन्यवाद कहना है तो आपको अपने अबोध वालों को करना चाहिए, जो 1 रुपया लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने बाजार पहुंच गया। उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही उसकी माँ को बचा सकता है, आपको बचा सकता है। तो दोस्तों, विश्वास इसी को कहते हैं। हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी ईश्वर को नहीं ढूंढ पाते और 1 रुपये में भी ईश्वर को खरीद सकते हैं। दोस्तों माना कि एक बीमारी ने हमें घेर रखा है, हम सब निराश हैं, हमारा काम धंधा जो है वो ठप हो चुका है, बिजनेस ठप हो चुका है, नौकरियां चली गई हैं, लेकिन खुद पे विश्वास रखिए और उस परम शक्ति पे भी विश्वास रखिए। थोड़े दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप अपने आप को बचा के रखें और आपका जो अंदर का टैलेंट है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, इसलिए से उस टैलेंट को और उजागर करिए और अपने काम पे विश्वास रखिए। आज आपके पास रोजगार नहीं है, पर आप में अगर टैलेंट रहेगा तो आप फिर से रोजगार कमा सकते हैं। वक्त बदलता है और ये जो वक्त चल रहा है ये भी एक दिन बदलेगा। इस बात पे विश्वास रखिए, वक्त बदलता है और ये जो वक्त चल रहा है ये भी एक दिन बदलेगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहानी के लेके कोई भी मन में विचार है आपके ना तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करिएगा मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और हाँ पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, लव यू। ना ख्याल रखिए और उस ईश्वर पर विश्वास रखिए।